हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो अभी आप लोग, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं. सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर अभी पहला जो दो डेट्स हैं वो निकल चुकी हैं. सो एक जो रिकरिंग क्वेश्चन है, इट इज अबाउट हाउ टू यूज दी रफ शीट्स. अब रफ शीट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो रफ शीट्स आप लोगों को A4 पेपर्स मिलते हैं. अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से वो काम करते हैं. आप लोगों ने हमारी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है वो सुनी है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसा करना चाहिए. बट फर्स्ट राउंड में कभी कभी क्वेश्चन गलत सिलेक्ट भी हो जाता है. कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, मगर उसकी कैलकुलेशन बहुत हैवी होती है. तो रिमेंबर गाइज, जो पहली प्रो टिप है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो इसका जो रफ वर्क करोगे ना आप, वो थोड़ा सा फेयर करो, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए कि आप एक बड़ी कैलकुलेशन पे रख करके क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, आपको पता है कि यार इसमें सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन से, और मतलब ये चीज लगनी है, फॉर्मूला डाल दिया आप लोगों ने, वैल्यू बड़ी दे रखी है, उस वैल्यू को डाल करके आपने छोड़ दिया. फॉर एग्जाम्पल, अब इसके आगे बस कैलकुलेशन करनी है आपको दो तीन लाइन की, इस कैलकुलेशन को डाल करके आपने छोड़ दिया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया. ठीक है, ऐसा इसलिए जरूरी है कि जब आप इसको इस क्वेश्चन पर लौट कर आएंगे, रिव्यू करेंगे, तो आप लोग इस कैलकुलेशन को यूज कर पाएंगे. मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, आप लोग कमेंट के अंदर भी बताइएगा, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपनी कैलकुलेशन अच्छी नहीं करते हैं, तो वो जब वापस से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अरे यार इधर क्या आया था, इधर क्या आया था, और फिर उनको वापस से वो कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है. तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 75 की जगह 90 हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस को वापस से अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. सो इसलिए जो भी आप लोग रफ वर्क कर रहे हैं, उस रफ वर्क को आप बेसिकली थोड़ा सा फेयर करने की कोशिश करें. ये पहली प्रो टिप है. दूसरी जो टिप है गाइस, वो ये है कि काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार हम पेंसिल से रफ वर्क करते हैं ताकि हम लोग रब कर सकें. ठीक है, मैं आपको दोस्तों एक चीज बता रहा हूं, जो आपका पेन होता है ना, पहली बात तो वो एक कलर का होना चाहिए, और वो जो पेन है वो आपके हाथ का पार्ट होता है. जैसे जब मैं पेन चलाता हूं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो मेरे हाथ का ही पार्ट है. जब ऐसा होता है ना, आपका पेन एक तो बहुत फास्ट चलता है, दूसरा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. जब भी आप ये काम करते ना कि यार आप पेंसिल से रफ वर्क करते हैं, फिर उसको रब करने की कोशिश करते हैं, पेज बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें होता यह है यूजुअली कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बार बार लूज हो रहा होता है. सो गाइज, डू नॉट गो फॉर दिस कि आप पेंसिल से रफ वर्क कर रहे हैं और रबर लेके जा रहे हैं, रबर मिटा रहे हैं. ठीक है, मैंने पूछा हुआ है स्टूडेंट से, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे यही बताया कि अगर आपकी A4 रफ शीट खत्म हो जाती है, तो आपको और मिल जाती है, वहां पे पड़ी रहती है जो रफ शीट से. सो गाइज, आप लोग है ना, कंजूसी ना करें, आपके पैसे नहीं लग रहे इस चीज के अंदर जो रफ शीट्स होती है उसको यूज करने के लिए. ठीक है, तो ये वाला जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग एक सिंगल पेन यूज करें, उस सिंगल पेन को ही आप लोग यूटिलाइज करें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. पेन आपके हाथ का पार्ट होना चाहिए. जैसे आप लोगों ने क्रिकेट के अंदर भी सुना होगा, बहुत सारे लोग जो अच्छे सक्सेसफुल बैट्समैन होते ना, सब लोगों का एक कॉमन कॉमेंट होता है कि माई बैट इज पार्ट ऑफ माई हैंड, विच मीन्स कि उनको वो जब बैट उठाते ना, तो उनको रियलाइज ही नहीं होता कि बैट एक हैवी चीज है जो उन्होंने उठा रखी हो, जिससे वो खेल रहे हैं. उनका मसल माइंड कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उनको रियलाइज ही नहीं होता ये चीज, और दैट इज व्हाई दे परफॉर्म सो वेल. तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर एक पेन, कोई पर्टिकुलर पेन हो, जैसे मैं एक, मतलब मेरा याद है मुझे, आई यूज टू यूज टेक्नोटिप पेन, तो मैंने थॉरली 2 साल तक केवल टेक्नोटिप पेन यूज किया. ठीक है, और जब मैं लेके जाता था ना पेन को पेपर अटेम्प्टिंग के लिए, कभी भी नया पेन नहीं लेके गया, आधा चला हुआ पेन मैं लेके जाता था. उससे क्या होता था कि मैंने जो पेन यूटिलाइज कर रहा हूं ना, वो मैं यूटिलाइज अगर पेपर में करूंगा ना, तो मेरे लिए लेस सरप्राइज होंगे. आप इस चीज को समझिए कि ये बहुत हाई स्टेक एग्जामिनेशन है, इसमें जितने कम सरप्राइजेस होंगे ना, उतना ही बढ़िया होगा. तो ये सरप्राइज वाला जो एलिमेंट है ना, ये इस चीज से कम हो जाता है. एक पेन, और मैंने 2 साल तक लगातार थॉरली एक ही पेन यूज किया, टेक्नोटिप. तो आप लोग भी अगर जैसे बटरफ्लो करते हैं, राइटोमीटर करते हैं, जो भी पेन आप यूज करते हैं, वही पेन आप यूज करें, और वो पेन आपके हाथ का पार्ट हो जाना चाहिए. इट इज जस्ट लाइक, मैं आपको बार बार उसी चीज की एनालॉजी दे रहा हूं, बिल्कुल बैट्समैन एनालॉजी है.
बैट्समैन क्या करता है, एक ही तरह का बैट यूज करता है। आप देखो सचिन के टेनिस एल्बो तक हो गया, फिर भी सचिन एंड तक हैवी बैट ही यूज करते थे, एक पर्टिकुलर वेट होता था बैट का। तो दोस्तों वो आपके हाथ का पार्ट तभी बनेगा जब आप एक पर्टिकुलर पैन यूज करेंगे। पैन के अंदर दोस्तों फैशन स्टेटमेंट मत बनाया करो कि यार ये फैशनेबल लग रहा है ये पैन, ये यूज कर लेते हैं। पैन आप लोगों को अपने हाथ का पार्ट बनाना है। तो दोस्तों ये जो टिप्स है, अगर आप ये यूटिलाइज करोगे, आपकी जो एफिशिएंसी है पेपर अटेम्प्टिंग की वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। थैंक यू।